शुणिली मो धर्मराज सभा मध्ये कही अछि दुर्योधन राज संपद आशा पांडव मानकर विफल कल्पना हे केशव राज संपद रे आउ नाही प्रयोजन सर्व पूर्ण ब्रह्मचारी आंबे जे भावे कटाइछु द्वादश वर्ष सेई भावे कटाइबु अवशिष्ट काल तेबे कोन समस्त राज संपद भोग करे दुर्योधन पांडव मानक कराइबा पथर भिकारी वाह के चमत्कार धर्मनीति तब हे केशव दुर्योधन भाई मोर भोग करु हस्तिनार सकल वैभव तथापि मने मोर न लागिब किंचित आघात ना ना मो देखाइबी पथ मो मतरे अनाचार अख्तियार करे प्रचार कर धर्मर महात्म्य ए कौन कहुच प्रभु हेबी मु धर्मद्रोही के अवान कहिबो एहा न्यायर प्रतिष्ठा लागि रणर आह्वान एही आसे पार्थ ब्रोकादर सह जिज्ञासा कर किबा दोहिंकु मतामत तंकरि जिज्ञासा नाय प्रयोजन आदेश न्याय अन्या न करी विचार कर्म क्षेत्र हुआ अग्रसर तेबे व्यक्तिगत मतामत तब अंतर निवृत्ति स्कंद एक उद्यम बासना रण स्वप्न मु देखी अच्छे भूख रक्त करुचि पान से रक्त सर्वांग बड़ी पांचाली तार मुकुलित केश हरसे करुचि बंदन कुहा कुहा वृकदर किबा से बासना तब मोर एकम प्रहारे भग्न करी दूच भर भरु भंग सहारबे एक एक अनस्पत भ्रात तेबे जदि कौरव पांडव मानक मध्यरे महाभारत युद्ध आरंभ हेबो ताहाले तुम्हें आउ कौन सब कल्पना करिछ पांचलित मुकुलित केश बंदन करी पाई एई प्रतिज्ञा करी अछि मुहि सखा ए युद्ध निमन्ते तुम्हारा की मत सखा भावे सदा मने हेले रण कोटि कोटि संतान को देवी विसर्जन नीरवै भारत लक्ष्मी करिबे क्रंदन कृष्टि किंतु उच्च कंठे कहिब मने पड़े अति तर सही कथा जेउ दिन दुर्योधन देखाइला उरु हाउ दुशासन करिला हरण सेते बेले थिला के प्राणपति भय देवाकू ते दशास्ति पापी दुर्योधने सही अति तर अभिशप्त को भूली जाओ तुम्हें मन मध्यरु देखी सब अनथ बांधव तुम्हें तुम्हें हो असहाय बहर घटोत्कच सुसज्जित करम सैन्य बाहिनी जेबी मोहि निज समर क्षेत्र को सखी तिरकार मन एही भारत युद्ध रे तुमर मनस्कामना पूर्ण हेबो हे केशव ए सखी रो सम्मान लागे नारी निर्यातनार ने प्रतिशोध न्याय प्रतिष्ठा करंतु ए भारतर बुके बेस पांडव मानंकर दूत रूपे चालिली मो हस्तिना कुरु दरबारे तथापि तथापि अनिर्वाज्य रण लगी हुआ तुम्हें प्रस्तुत तथापि अनिर्वाज्य रण लगी हुआ तुम्हें प्रस्तुत प्रकाश करिले श्रीकृष्ण अनिर्वाज्य भारत समर कुरु पांडव युद्धे केते नारी हेबे पतिहरा केते सत पुत्र प्राण हरबे आर्तनादरे कंपिजीव मोर धर्म सिंहासन ना ना चाहे ना कृष्णमय संसार तेरे चलंतु भाई द्रुत कार्य लगी करवा में सर्वायोजन Ha ha ha!
जारज पांडव मानक द्वादश वर्ष वनवास सहित तेर मास अज्ञात बास करी निरापद रे फेरी आसुछंती मम सेमानंक सत्य अपण मु सुप्रशंसा करूछि मातुल सेमानंक भातृ भक्ति देखी हा सका पांडव माने 12 वर्ष वनवास सहित एक वर्ष अज्ञात वनवास करी से माने फेरी आसंती शत्रु को प्रशंसा करिबा तुमर कर्तव्य कारण से माने हेले तुमर भाई से माने दाबी न करिबा पूर्वरु तांको राज्य तांको फेराई देले एही जन्म को बहुत प्रशंसित हेबो सखा बले बले जदि राज्य फेराई दियो बहु बहु निंदार पात्र हेबो तुमे भणा जा की परी माचुल मामा तार कारण जनराव हेबो राजा दुर्योधन इच्छार पांडव को भय करी राज्य फेराई देछि तापरे मु सुनिबा को पाउछि भणदा श्रीकृष्ण मध्यस्थी होई आसुछंती एठाकू श्रीकृष्ण हस्तिना राज परे मध्यस्थ होई आसिबे कौन मातुलो ए राज्य अभिलाषना भणदा सेया नुहत आउ कौन जदि राज्य न दियो भिक्षा स्वरूप मागिबे पांच खंड पड़ा श्रीकृष्ण जदि हस्तिन जुबरा दुर्योधन निकट हाथ पकाई भिक्षा स्वरूप पांच गोटी पड़ा मागंती तो हेले मु देवा पाई बाध्य मामा कारण हेले से माने मोहर भाई भणदा तुम्हें पागल हेलो भणदा पागल हेलो नाग सर्प को विश्वास अच्छी भणदा किंतु से गौड़ पिला कृष्ण को मोटे विश्वास नुह बामन अवतार होई बली को सत्य कराई दान स्वरूप मागी थिला तीनी पाद भूमि बली रो अवस्था कौन हेला सुनी छत भणदा ए पांचटी पड़ा नुह भणदा पंचकटक जदि तुम्हें सत्य करी दियो तुम्हें तुमरो अनेश्वत भाई को नहीं हेबो दांडर भिक्कारी भिक्कारी हो
श्रीकृष्ण निकट भिक्षा मागी नहीं कि मागिबो नहीं यह हेला तोहर त्रिवार सत्य किंतु किपरि मामू परा जाने भणदा से मागिबे इंद्रप्रस्थ जमप्रस्थ हस्तिना बारुणा आउ जयंत एई गुड़ी को बिना तुमे रही पारिबो हणदा इंद्रंकर जलवृष्टि जेउठारे नथिबो सेठी कौन तुम्हें रही पारिब भणजा संभव नुहे मामा हस्ती जेउठारे नथिबो सेठी कौन तुम्हें रही पारिब भणजा असंभव मातुलो मृत जेउठारे नथिबो सेठी कौन तुम्हें रही पारिब भणजा बुझी विचारी कार्य कले प्रमाद न पड़े भले एणु मु कहिबा अनुजाई कार्य कले निश्चय तुमर मंगल हेबो भणदा जदि श्रीकृष्ण एठाकु आसंती मागंती पांच खंड पड़ा तुमे एतिकी मात्र कहिबो बिना युद्धे सुचि अग्रे मेदिनी देव नाही पांडवंकु दुर्योधन जदि पांडवंकर शक्ति अछि आंभ कौरवंक सहित युद्ध करि नै पारंती राज्य राज सिंहासन उत्तम परामर्श मातुल जुबल दुर्योधन राज दरबार मध्य त्रिवार सत्य करी कहुची बिना युद्धे सुचि अग्रे न देव भूमि जदि चार जो पांडव मानक शक्ति अच्छी मो सहित युद्ध करी नहीं पारती राज्य राज सिंहासन ओ मामा ये देखो पंच ध्वनि शब्द कृष्ण हरे 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ तुम निकट को किछि भिक्षा अभिलाषे आसी अछि मही
कृष्ण तुम्हे केउ दिन ठारु ए भिक्षा वृत्ति अवलंबन करियछ कृष्ण भक्त मानंक पाई द्वारे द्वारे बोली मागे मोहि भिक्षा दृष्ट सहनार्थे नरलोके मोर अवतार श्रेष्ठ पालन मोर कर्तव्य पांडव माने हेउछन्ति तुमर भाई तुमर पण रक्षा करी से माने वनवास रु फेरी आसिछन्ति तांकरी राज्य तांकु फेराई दियो दुर्योधन तांकरी राज्य तांकु फेराई दियो जानो जो पांडव हेले मोर चीर शत्रु से माने मोर भाई नुहंती से मानंकु विनाश करिबो मोर मुख्य लक्ष्य कुरुपति तुमर मंगल निमन्ते भिक्षा स्वरूप पांच भाईक निमन्ते मात्र छार पांच खंड पड़ा मना करना दुर्योधन पांच भाईक निमन्ते मात्र छार पांच खंड पड़ा सुनो हे केशव करिछि प्रतिज्ञा बिना युद्धे सोची अग्रे न देव भूमि हेलो हस्तिना युवर दुर्योधन त्रिवार सत्य कृष्ण जदि जार जो पांडव मानक शक्ति अच्छी मो सहित युद्ध करी राज्य राज सिंहासन नचे प्रतिज्ञा तुम्भर कुरुपति मोर शेष अनुरोध भाई मानंक संघे नकरी विवाद पांच खंड पड़ा परिवर्ते मात्र एक खंड पड़ा पांच भाईक निमन्ते मात्र एक खंड पड़ा मना करना दुर्योधन छार एक खंड पड़ा सुन प्रतिहारी पांडव दूत तुम्हें जाए तुम प्रभु को कही दियो हस्तिना जुबरा दुर्योधन तिवार सत्य करी निष्पत्ति नहीं बिना युद्धे जारज पांडव मानक सहित युद्ध करी नहीं पारे राज्य राज सिंहासन नचे गर्व कर ना दुर्योधन गर्वर परिणाम अति भयंकर हेब भद्र विवाद बही रक्तर नदी ध्वंस ध्वंस हो रही पंच कटक ध्वंस किए ध्वंस कर पांडवेन कपटी श्री कृष्ण किए कहारी को ध्वंस करी न थाए दुर्योधन निजर गर्व अहंकार ही
निजको ध्वंस करिथाए हिंसार पछरे लुचि रहिथाए मृत्यु अहिंसा परम धर्म जहार दीक्षा ताको देखिला मात्र के भय करिथाए मृत्यु बंद करो हे तुम ब्रह्म ज्ञान चर्चा ये हेउची हस्तिना दरबार गोपपुर को जय कृष्ण सहस्र गोपी निकट हुए तो किसी चर्चा कले तुम परिश्रम मूल्य दे पारती जुबरा दुर्योधन निकटे नुह निजर मर्यादा रक्षा करी फेरी जाओ गोपपुर राज दरबार मध्य अपमान समुद्र तुम्हें जाने मुखिए दृष्ट सहारण कर्ता स्वयं नर नारायण दृष्ट सहारण कर्ता स्वयं नर नारायण मु किए जानु कृष्ण मु हेउची पनंक नारायण मु हेउची चक्रधारी मु हेउची छत्रधारी मु हेउची गोविंद मु हेउची मान गोविंद मु हेउची पद्मनाभ मु हेउची पद्मपाद भगवान कृष्ण सदा जार ध्यान जार जो पांडव सपेक्षे से पुणी भगवान दुशासन अपेक्षा न करी राज दरबार मध्य कृष्ण को बंदी कर मने रख गर्वी दुर्योधन सकुनीरा परामर्श तोर एही कुरु वंश को ध्वंस करी कौरव मानकर रक्त स्रोत बन्या हब एही पंच कटक मध्य अस्थिर पहाड़ देखि कांदिबु तु निजे तोर आखिर लतक देखि हसिब सकुनी मनभरा हस नासारे भरिण अंगुली काली प्रते बाजे उठिब जोधर नगरा बंदी करिबु दुशासन एते तर शक्ति एते मोर शक्ति हाट दुटा बड़ा जो श्री कृष्ण गोपाल आम प्रियतम समुदी अंध सुते कंध परि किंपा धर मंद बुद्धि श्रृगाल होई तुमे सिंह को बंदी करिब भाविच कि नाही मोर हस्ते चक्र सुदर्शन मो गोपाल नुहे दुर्योधन तुम गौरव मानकर समस्त मृत्यु रजम मो गोपाल नुहे स्वयं नर नारायण तोर एहि तीव्र अपमान ज्वलंत अग्निशम विश्वरूप मोर दर्शन कर दुर्योधन Hello, hello, hello.
हे प्रभु केशव मते एतिकि मात्र दया कर पितृ भातृ हत्यार प्रतिशोध पथरे सफलित हुए जेपरी थरक आरंभ है कौरव पांडव मानक मध्य महाभारत युद्ध एही भारत युद्ध रे तुमे हेबो कौरव मानकर मृत्युर विभीषिका आओ मु हेबे पांडव मानकर रक्षाकर्ता एही भारत युद्ध रे तुमार प्रतिज्ञा पूर्ण हेबो पितांकर पद स्पर्श करी करिछ शपथ समस्त कौरव को करिबो विलुप्त एही भारत युद्ध रे तुमर प्रतिज्ञा पूर्ण हेब हस सकुनी मनोभरा हस हस मनोभरा हस प्रभु तब इच्छा प्रभु मते सहाय हो अहि दीन बंधव मते अपनार करिने मते श्री चरण स्थान दियो सब मठने कंगाल सजाए श्री चरण स्थान दियो गे नारायण ऐसा मोर पुण्य अगे दिन बंधव मते आपणार करि दियो मते आपणार करि दियो सब मठने काकाळ सजाय सब मठने काकाळ सजाय श्री चरण प्रतिशोधर रास्ता एवं परिष्कार आज सखुनी देखुची परिष्कार रास्ता दुर्योधन सखुनी तोरी मंत्री नुह मंत्र तारक कौरवंक खाई पांडवंक चिंता करूछि तू जे परी अन्न कष्ट रे तील तील करी मारिछु मोरी अनिश्वत भाईंको सेही परी तते मरिबाकु हेबो तू कांदीबु दुर्योधन मु हसीबि मनोभरा हस हा 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 हा